मेरा कुर्ती आ गया पार्सल। ये मैंने ऑर्डर किया था। ये कुर्ती एक्चुअली वुमेंस डे का ही गिफ्ट है। हबी ने दिया है मुझे वुमेंस डे के लिए, लेकिन आज मुझे ये मिला गिफ्ट। ये है बाटिक कॉटन की, प्योर कॉटन की। गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगेगा पहन के, बहुत ही आराम मिलेगा। एक रेड कलर का है और एक ये वाइट के ऊपर ऐसे ही। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए दो दो मेरी कुर्तियाँ अभी दोपहर के टाइम में मुझे मिल गई। अभी बज रहा है 4, तो अभी 4 बजे ये पार्सल आया। ये एक कुर्ती रेड कलर की इधर रखी है मैंने, और ये एक जब पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लगता है, ठीक है? फिर ये है, तो जब रिसीव करूंगी तभी ब्लॉग में दिखाऊंगी, सोच के रखा था तो इसलिए और नहीं बताई पहले। तो ये है वुमेंस डे का गिफ्ट जो हबी ने मुझे गिफ्ट किया है, और ये आज मुझे मिला। तो बस और क्या चाहिए, है ना? बाबू का न्यू चप्पल, आज तो एक के बाद एक कुरियर आए जा रहा है ना। और मेरे बाबू टी शर्ट खोल दिया। हाँ, ये चप्पल अच्छा है, कंफर्टेबल है, अच्छा है, कंफर्टेबल। वाह कितना सुंदर है। गोलू गोलू ना भालू, तुम गोलू हो के भालू हो? हाँ बीव बीव है। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है शाम से भी, आज पूरा दिन ही बारिश होता रहा और ठंडी भी बहुत ज्यादा है। और बाबू मेरा अभी दूध पी रहा है। बाबू दूध पिएगा, उसके बाद हम चाय पियेंगे। आज शाम का स्पेशल नाश्ता ये समोसा जलेबी, बहुत खाने का मन हो रहा था बहुत दिनों से। और ये चटनी, मीठी चटनी, और ये हींग वाली सब्जी हमारे यहाँ पे देते हैं ग्वालियर में समोसा कचौड़ी के साथ, ये सब्जी और चाय। और एक को देखो कैसे खा रहा है जलेबी। हाँ, इसका नाम है जलेबी। इसका नाम है जलेबी, इधर देख के बोलो। इसका नाम है जलेबी। अच्छा, तुमको अच्छा लगता है जलेबी? क्या बोल रहे थे बोलो, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे तुम? क्यूट है। क्या है बाबिन? बाबिन क्यूट है। बाबिन क्यूट है। हाँ। क्यूट है। और मम्मा? मम्मा अच्छा नहीं है। मम्मा अच्छा नहीं है। रुक, तुझको आज खाना कौन देगा, देखती हूँ रात को। रुक, तुम दल बदलू हो, तुम तो क्रिकेट की तरह रंग बदलते हो। अभी बाबिन दो थप्पड़ मारेगा तो बोलोगे बाबिन गंदा है और मम्मा क्यूट है। तुम्हारा तो ऐसा ही है, तुम रंग बदलते रहते हो। क्या है? वाह, ये क्या बना रहे हो, क्या एक्टिविटी कर रहे हो अभी? फायर। फायर? ऐसे फायर होता है? देखिए बाहर बारिश, बारिश भी नहीं है रे, सिर्फ हवा ही चल रही है इतनी जोर से। हाँ, क्योंकि छत नहीं भीगा। बाप रे, हवा ही चल रही है तब से ऐसे। मैं तो सोची बारिश आया है, ऐसा लग रहा है सब कुछ उड़ा के लेके जाएगा, इतनी जोरों से हवा चल रही है। अभी देखिए तूफान जैसा एकदम, और लोड शेडिंग भी हो गया है इसलिए रास्ते में लाइट नहीं है। बारिश आएगा लगता है बहुत जोरों की। दिन में तो थोड़ा थोड़ा बारिश था। आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? बारिश अभी तक नहीं आई लेकिन हवा चल रही है तब से। बाप रे, हैप्पी बर्थडे बोलना। हाँ,
এই যে বুবুল বলবে, বলো বাবা। হ্যাপি বার্থডে মামু। বলে হ্যাঁ গিফট যা, তোমার খাওয়া দাওয়া হয়েছে? ঠিক আছে, এই যে মামু, ওমা দেখা যায় না, এই যে যে মাম্মো কা গিফট। নকশা করে, নকশা ঠিক আছে। হ্যাপি বার্থডে, কি করো? মেডিকেল আসকে কি? ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা না কামো করে সকাল সকাল। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ गई हूँ एक अनदर न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। आज है 13th of March, आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो मैं अपनी माँ को विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे माँ। हालांकि उनको मैं विश कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पे भी उनको विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे माँ। खूब एंजॉय करो, हम तो वहाँ नहीं है, लेकिन आप फिर भी जो नियर एंड डियर वंस है उनके साथ एंजॉय करो, और बस स्वस्थ रहो, खुश रहो। और रात को वो भी फ़ोन किया था माँ को, लेकिन माँ क्या है ना, सो जाती है मेरी, जल्दी सो जाती है, तो इसलिए मैंने छोटा सा एक कॉल करके फिर छोड़ दिया, फिर मैसेज कर दिया 12 बजे, क्योंकि उनको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, वो नौकरी करती है, जाना होता है ऑफिस, तो इसीलिए और डिस्टर्ब नहीं की 12 बजे, वो सो ही रही। मैंने थोड़ा सा कॉल किया कि अगर जगी होगी तो उठा लेगी, नहीं तो फिर सोई रहेगी उनका नींद, ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो वही फिर सुबह उठ के मैं विश कर दिया, अभी ये लोग उठे नींद से, तो इनसे भी ये लोग भी विश किए, तो बस अभी मिला जुल के। और मम्मी का बर्थडे गिफ्ट मैंने भेज दिया था एडवांस में ही, जो कि मैं यहाँ दिखाई नहीं ब्लॉग में, ये था मम्मी का गिफ्ट। और आज तो और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अभी अगर मम्मी कुछ रिकॉर्ड करती है या वहाँ पे वीडियो करती है, पिक्स देती है, तो वो यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और आज वही है, आज अमावस्या है, काली मंदिर भी जाना है, तो यही है। अभी बस सुबह उठी हूँ, अभी नहाएंगे वहाएंगे, इन लोगों को ब्रेकफास्ट देती हूँ, और दीदी मेरी आके अगर बर्तन वर्तन करके जाती है, तब तक तो घर भी थोड़ा मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद हम मंदिर चले जाएंगे। मंदिर में पूजा स्टार्ट होगा 11 बजे, तो 11 बजे बोलते हैं, लेकिन होते हो तो वही 12 बज ही जाता है, तो हम वही 12 बजे 12:30 बजे की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि पहले भी गए हैं वहाँ, लेट ही होता है, आप लोगों को भी पता ही है कि लेट होता है थोड़ा, तो 11 बजे के 11 बजे नहीं जाएंगे, थोड़े बाद में ही जाएंगे। तो बस जैसे जैसे आज का दिन जाएगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा पूरा लुक। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग देख ही रहे हो कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी भी तैयार हो रहे हैं, बेटू भी मेरा तैयार है, और बस अभी निकल जाएंगे हम लोग, मंदिर जाना है, तो वही है, फूल का माला ये ले आए थे, और संदेश नहीं लिया, संदेश अभी जाते टाइम लेके चले जाएंगे। तो बस ये है मेरा वुमेंस डे वाला गिफ्ट जो हबी ने दिया था, ये कुर्ती एक पहना है मैंने, एक और वाइट कलर का है, वो बाद में कभी पहनूंगी, तो वो आज सोची थी पहले वाइट पहनती, फिर सोची नहीं वो रख देती वाइट वाला, आज यही पहन के जाती हूँ रेड वाला। तो ये है मेरा वुमेंस डे वाला कुर्ती जो हबी ने दिया है, और गर्मियों में ये सब कुर्ती पहनने में बहुत मज़ा आता है, गर्मियों में ये कॉटन की कुर्तीज सिंपल है येट, लेकिन बहुत क्लासी लगता है, और ये बाटिक प्रिंट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी तैयार हूँ, अभी आज मास्क भी मैचिंग लगा रही हूँ, देखियो, वरना मुझे उतना क्रेज़ नहीं है मास्क मैच करने का ड्रेस के साथ, लेकिन ये मेरे पास था रेड मास्क, तो सोचा यही पहन लेती हूँ, मैचिंग है ना, तो यही है, अभी बस निकलना है। अब ठीक है, वाह मेरा बाबू कितना प्यारा लग रहा है।
ओके फ्रेंड्स, अभी निकल रही हूँ। मेरी माँ का भी आज बर्थडे है, जैसे आपको पता है। आज मेरी माँ के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। वो मम्मी को बिल्कुल नहीं पता, मम्मी को कोई आइडिया ही नहीं है। एक्चुअली कभी कभार मैं एक दो बार केक भी भेजी हूँ, इस साल केक वेक नहीं भेज रही, क्योंकि केक मेरी जो नीचे दीदी रहती है पंपा दीदी, वो लाएगी बोली है मुझे, तो इसलिए मैं और केक नहीं भेज रही। फिर केक इतना सारा क्या करेंगे, तो मैं सोची कि मैं मम्मी को कुछ खाना, मतलब रेस्टोरेंट का आइटम भेजूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी बाहर का खाती नहीं है, और वो कभी रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाती ना मंगा के खाएगी, वो ऐसी है। वो उनको मतलब ऐसे पसंद है, अगर हम ले जाते हैं तो तब खाती है, अच्छा लगता है उनको स्नैक्स आइटम, क्योंकि हमेशा तो घर में वैसा स्नैक्स आइटम बनता नहीं है, लेकिन वो खुद कभी बाहर से ना मंगा के खाएगी ना जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनका बर्थडे आज स्पेशल करते हैं, रात को क्या घर का खाना खाएगी, इससे अच्छा कुछ भेज देती हूँ, जैसे मटन बिरयानी वगैरह उनको पसंद है, तो मटन का ही कोई आइटम, मटन बिरयानी, मटन कौशा, इस टाइप का आइटम भेजूंगी उनको। वहाँ पे हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट है अलीपुर द्वार में, हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट गुडलादा का रेस्टोरेंट है, वो भैया को मैं पहचानती हूँ, उनका रेस्टोरेंट है, तो गुडलादा से मेरी बात हो गई। वो होम डिलीवरी भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट से मैं खाना मंगा रही हूँ, मम्मी को भिजवा रही हूँ, तो शाम को उनको 7:30-8 बजे तक खाना मिल जाएगा। ये है अब तक का प्लान, ठीक है। और हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो लोग अलीपुर द्वार में रहते हो वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनको, वो लोग डिलीवरी करते हैं, उनका खाना बहुत अच्छा है। तो यही है अब तक का फीडबैक, तो यही है। अभी जा रही हूँ, अभी जल्दी जाती हूँ मंदिर, और मंदिर जाके हबी के नाम से जो मैंने मन्नत किया था वो मन्नत भी आज पूरा करके आती हूँ। हबी के रिकवरी के लिए मैंने मन्नत किया था जो, वो आज पूरा करके आती हूँ। और बस काली पूजा है, वहाँ पे शामिल होती हूँ, मैंने उपवास रखा है, सुबह से कुछ नहीं खाई मैं, और बस अच्छे से सब हो जाए, ये है। और मम्मी का भी आज बर्थडे है, तो मम्मी के नाम से भी पूजा दे दूंगी, हबी का मन्नत का भी पूरा करूंगी और मम्मी के नाम से भी पूजा दे दूंगी। तो यही है अभी तक का फिलहाल अपडेट। चलो चलते हैं, बाद में मिलती हूँ फिर आप लोगों से। ये माँ के लिए जो माला लिया है, जो चढ़ाऊंगी मैं, देखिए लाल गुलाब का माला। यहाँ पे जौबा फूल का माला मिलता नहीं है, वरना मैं जौबा का माला लेती, तो मैंने गुलाब का ही माला लिया है, रेड कलर का। गेंदा फूल का माला अच्छा नहीं लगता काली माँ पे चढ़ाना, तो ऐसा ही माला लिया है। प्लास्टिक का मिलता है जौबा माला, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नहीं लिया प्लास्टिक का जौबा। काली मंदिर
प्रसाद अच्छा प्रसाद खा रहे हैं बाबा। क्या क्या है ब्लैक छोटा भाई उधर ही है। पूजा बहुत अच्छे से हो गई फ्रेंड, आप लोगों को नहीं दिखा पाई, मैंने अभी के नाम से भी पूजा किया, अपने बेटे के नाम से भी किया और मेरी मम्मी के नाम से भी किया क्योंकि मम्मी का आज बर्थडे है। तो बस अच्छे से पूजा हो गई, अभी प्रसाद खा रहे हैं फल प्रसाद। बाबू बहुत खुश है यहाँ के। कितना बज रहा है? चार सवा चार तो बज गया ना, सवा चार बज गया। चलो चलो बाबा। बाबा यार देखिए बाबा देखिए देखिए। अच्छा पिकू साथ पिकू फ्रेंड मिला था जो हाँ। अच्छा अभी चल के रेस्ट करो। ओके फ्रेंड्स अभी आप लोग देख रहे हो कि हम घर आ चुके हैं और मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि हम फ्रेश व्रेश होकर जैसे आप देख रहे हैं मैंने चेंज कर लिया। अभी हबी और बेटू सो भी गए, वो लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। अभी हबी और बेटू रेस्ट कर रहे हैं, अभी ये दोनों सो रहे हैं तो इसलिए धीरे धीरे बात कर रही हूँ। आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और शाम को तो मेरे मम्मी का आज बर्थडे है ही, आज शाम को पार्टी कुछ तो होगा वहाँ पे धमाल। अगर मम्मी मुझे वीडियो भेजती है तो वो सब मैं लास्ट में शेयर कर दूँगी, और अगर कुछ नहीं वीडियो करती कुछ खास तो फिर शेयर नहीं करूँगी, अगर भेजती है तो ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी। और मम्मी को जो सरप्राइज़ भेजा है होपफुली उनको पसंद आएगा, तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, बाद में आप लोगों को अपडेट करती हूँ। Long life.
यहाँ पे वही पोम्पी दी, जो पोम्पा दी जो है नीचे वाली, उनकी बेटी है ये छोटी बेटी। पहले आपने वीडियो में देखा वो बड़ी बेटी थी। और ये लिपस्टिक एक दिया, मम्मी दिखा रही है, लिपस्टिक गिफ्ट किया है, ये फ्लावर बुके गिफ्ट किया है, और बहुत कुछ खाना भी बना के लाई थी, वो सब आप देख पाएंगे बाद में। और मम्मी केक काट रही है, ये सो रही थी छोटी वाली, तो अभी ये जब आई है तो पोम्पा दीदी के सामने इस छोटी के साथ मम्मी फिर केक काटी दोबारा। और यहाँ पे मेरा खाना दिखा रही है मम्मी, हॉटस्पॉट मटन कषा बिरियानी और एखे मन रुटी आर्ती को जुक्ति छो ना एत खबर पाठानो एत खबर क्या खा बोलो एत कैन जो तुम्हारा पाठाओ एत पैसा नष्ट करो तब थैंक यू पाठाइ बोकल आर थैंक यू करी क्या देखे आनंद ही लागे क्योंकि कि यो खाइते हमें परिना ना यो ना पाठाले हत ये सब पोम्पा दी ने दिया है खाना, देखिए बहुत कुछ बनाया है, पूरी खीर और छोले दाल और आलू दम भी है, यहाँ दिख नहीं रहा। ओके फ्रेंड्स, मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, अभी शाम को वो केक कट कर चुकी है, वो सब मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी। और मम्मी को मेरा सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मम्मी ने डांटा भी कि ये सब इतना कुछ क्यों भेजा, क्योंकि मैं अकेले इतना नहीं खा सकती। और ऊपर से क्या हुआ ना, जो नीचे वाली दीदी रहती है मेरी पोम्पा दीदी, वो बोली थी केक ऑर्डर करेगी, फिर मम्मी ने मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मामा भी लाने वाले हैं केक, तो इसलिए उनको मना कर दिया केक लाने से। तो और वो उन्होंने और क्या किया, उन्होंने साथ में पूरी, फिर घुगनी, शायद घुगनी आलू दम, और फिर पायस मिठाई सब, वो पायस बनाई, लूची बनाई, घुगनी बनाई, मिठाई लाई, वो सब भी अरेंज की, जबकि मम्मी भी वो सब अरेंज कर, मम्मी ने भी घर में पायस बनाया था, पनीर बनाया था, पनीर का सब्जी बनाया था, फिर लूची का सब प्रिपरेशन कर चुकी थी, और मिठाई भी के सबको देगी, मतलब सबको देगी इन द सेंस उनको देगी, नीचे जो रहती है पोम्पा दीदी उनको देगी और मेरे मामा लोगों को भेजेगी बोल के। फिर पोम्पा दीदी ने भी इतना कुछ किया, तो एक साथ इतना इतना ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए वो बताई भी नहीं पहले, वो भी सरप्राइज करने के लिए की। मम्मी बोली क्यों इतना कुछ बनाने गई, वो बोली नहीं नहीं आंटी काकी माँ, आज आपका बर्थडे और आप ही बना के दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर अब सब कुछ डबल हो गया, ऊपर से मैंने भी मम्मी को भेज दिया है खाना, मम्मी बोले इतना कुछ कौन खाएगा। मैंने हालांकि नॉनवेज आइटम्स भेजा है, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, आप लोग देखना। और खाना बहुत ही टेस्टी था, हॉटस्पॉट से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, खाना बहुत ही टेस्टी था और सस्ता भी, मतलब एकदम रिजनेबल रेट है, कोई हाई फाई रेट नहीं है, डिलीवरी चार्जेस भी बहुत कम लेते हैं एकदम, वो हॉटस्पॉट से मंगा के खा सकते हो, बहुत अच्छा खाना है। मम्मी ने फीडबैक दिया अच्छा, मतलब बहुत ही, मतलब सच में अच्छा है, क्योंकि मेरी मम्मी फटाक से अच्छा बोलती नहीं है। और उनका जो मटन कौशा है, आप देख के भी खाने का लुक आप देख के समझ जाओगे कि कितना अच्छा है, वो मटन कौशा देख के, बिरयानी देख के मेरा तो मुँह में पानी आ रहा था, और जो चिकन हॉटस्पॉट उनका स्पेशलिटी है वो भी, तो खाना मिला जुला के सब अच्छा था। तो यही है, अब देखना मेरे मम्मी का जो है यहाँ पे केक वगैरह या कैसे किया उन्होंने सेलिब्रेट, वो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स, मम्मी लोग उतना वीडियो अच्छे से नहीं कर पाती, आप समझ ही सकते हो, कोई भी वहाँ पे प्रो नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा वीडियोस ली है वही डालूंगी यहाँ पे, उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा ही है क्लिप्स, आप देखना। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए बाय यहीं पे, और आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये था धमाकेदार एक ब्लॉग, क्योंकि यहाँ पे दो इवेंट्स, आज मेरा काली पूजा, मेरे मन्नत का मन्नत जो मैंने पूरा किया उसका भी था, साथ में मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो दो धमाके एक साथ एक ही ब्लॉग में आपको देखने को मिल गए आज। तो ठीक है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ भर भर के लाइक कीजिए, और बस मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फिर बाय, और आप सबको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। ठीक है, चलो बाय।